मिनट। हेलो जी, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबको? उम्मीद कर रहे हैं सब ठीक होंगे, मुस्कुराते होंगे, रहते मुस्कुराते ही रहना है जी। सुबह को हो गए तकरीबन 10 और हम निकलने लगे हैं इस्लामाबाद की तरफ, बैक टू होम। और मौसम जो आपको मैं चेक करूँगा, आपको कितना दिल नशीन हुआ इस टाइम। हल्की 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 नहीं बल्कि खासी बारिश लगी हुई है। बारिश जो है लगी हुई है, तो थोड़ी देर में हमारी रवानगी है इस्लामाबाद की तरफ। तो मिलते हैं फिर इस्लामाबाद वाले, तो वेलकम कर दो इस्लामाबाद वाले यार। मुजफ्फराबाद पहुँचे हैं इंशाल्लाह, जल्द 11:30 हो गए हैं। तो बहुत हुआ तो 2 बजे तक हम इस्लामाबाद होंगे। यहाँ पे ज़रा खड़े हुए हैं, थोड़ा काम है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह लौट हम इस्लामाबाद सीधा आपसे मिलेंगे फिर इस्लामाबाद। मरी से थोड़ा सा नीचे आके स्टे किया हमने, थोड़ा सा नीचे नहीं मतलब 1 किलोमीटर नीचे आके स्टे किया है। यहाँ पे आप खाना शाना ज़रा खाएंगे, टाइम 2:30 हो गए हैं, तो 11:30 बजे निकले थे और मरी तक जो है 2:30 हो गए। रास्ते में आराम आराम से आए हैं ताकि तबीयत ख़राब ना हो, पता नहीं होगा रास्ते में जो सफ़र में है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तबीयत ठीक है, नमाज वमाज पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के और यहाँ पे थोड़ा अभी स्टे किया, खाना खा लें तो फिर उसके बाद अपना सफ़र इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। फाइनली जी घर पहुँच आया हूँ मैं, तकरीबन थोड़ा सा ही दूर हूँ। ये सामने आ गया है घर और ये हम जा रहे हैं अभी घर की तरफ। गाड़ी वहाँ पर ऊपर ही खड़ी करके आ गए थे, तो मैंने कहा मैं चलता हूँ फिर आप आ जाना। तो मैं अभी आ गया हूँ तकरीबन बहुत ही घर के पास, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बॉस सामने खड़े होकर जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उफ़, इतने अरसे बाद मैंने जाके कहीं अपनी स्टूडियो को देखा, वाह अमेजिंग। आई थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आप सबको एक चीज़ ना चेक कराऊं, थोड़ा मेरा गला आजकल ख़राब हुआ है, तो आप सबको एक चीज़ चेक करवाते हैं। जो हमारे घर में न्यू एंट्री आई है वो आपको चेक करवाते हैं इस टाइम। वाह, इसका नाम हमने रखा है जी शेंटू। जैक नहीं, जैक मैं नाम लेता हूँ तो मुझे वो अपना पुराना जैक याद आ जाता है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है अभी शेंटू। शेंटू माशाल्लाह, ये भी काफ़ी प्यारा है। ये मैं कल का ही व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कल जो मैंने व्लॉग बनाया था मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद ट्रैवलिंग वाला, तो वो बहुत छोटा बन गया था। रास्ते में मेरी तबीयत ख़राब होती है, इसलिए गाड़ी में जो है ना मैं सोया ही रहता हूँ, आंखें खोलता नहीं हूँ, क्योंकि आंखें खोल के मैं बाहर देखूँ या मोबाइल वगैरह यूज़ करूँ तो मुझे ना उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जो है मैंने कल बहुत छोटा छोटा जहाँ पे मतलब स्टे रुकते थे वहाँ पर मैंने व्लॉग बनाया है। तो मैंने कहा चलो आज उसको ही कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा भी हो जाएगा तो इस डे का शेड्यूल भी आपको पता लग जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, कुछ सामान लेना था, तो जाते हैं फिर आपको बताते हैं क्या सामान लेना था। गांव में जो है हम पहुँचे हैं और अपने गांव में आके मुझे पहले सार पतंग नज़र आया है, इंशाल्लाह इसको पकड़ लूँगा अगर इसकी डोर हुई तो। मेरे ख्याल में इसकी डोर है तो इधर से इसको ना पकड़ लेते हैं कहीं से। नहीं डोर नहीं है मेरे ख्याल में इसके साथ, डोर होती तो फिर मैं इसको पकड़ लेता। नहीं यार डोर नहीं थी, मैं उधर से घर जा रहा था, मैंने कहा अगर डोर हुई तो फिर इसको पकड़ लेंगे, लेकिन इसके साथ डोर ही नहीं थी। यहाँ पे करते हैं जी हम अपना व्लॉग एंड। तकरीबन टाइम हो गया है 11:12, वाह क्या स्मैक्सी टाइम है ना, 11:12 अमेजिंग। तो मैं कह रहा था थंबनेल व्लॉग, इस व्लॉग का थंबनेल को मैं बना रहा था जो कि व्लॉग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है भाई साहब। तो बनाता हूँ थंबनेल, तो ये व्लॉग अपलोड रात को अपलोड कर दूंगा, अनलिस्टेड कर दूंगा, सुबह पब्लिक करूंगा, क्योंकि आप सुबह सही उठते हैं तो सुबह ही देखना है ना आपने, रात को कौन देखता है यार, इसलिए सुबह ही इसको पब्लिक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और के साथ किसी और जगह, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।